जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आई थॉट के रावे वांट्स टू टॉक टू सम ऑफ यू जस्ट टू गिव हर अपडेट कि कैसी फील कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल बेटर देन यस्टरडे। संडे को हुआ था एक साथ एपिसोड बिकॉज ऑफ विच उसकी जो है हर बैलेंस गॉट आउट, और बैलेंस जब आउट होता है इंसान का तो शी कैन नॉट एक्चुअली मूव मच विदाउट सपोर्ट। तो इसलिए इससे पहना हुआ है क्या कहते हैं कॉलर को, नेक कॉलर टू, क्योंकि जब ताकत नहीं होगी आपके हेड में तो आप जब मूव करेगी इधर उधर मूव करती है तो उसको चक्कर आते हैं, दैट मेक्स हर वॉमिटिंग एंड ऑल दैट। तो इसलिए डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड कि ये कॉलर पहन के रखे ताकि अपने हेड को सपोर्ट मिल सके, वरना सर कंट्रोल में रहता, और बिकॉज देयर सर में जब कंट्रोल नहीं रहता तो आप जो है बैठ भी नहीं सकते विदाउट सपोर्ट, खड़े भी नहीं ऑब्वियसली हो सकते, तो बस यू नीड कॉन्स्टेंट हेल्प टू गेट अप। तो बड़ा ही एक मसला है, वर्टिगो कहते हैं इसको। तो आई थॉट जस्ट टू गिव यू गाइस अपडेट के अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लिटिल बिट बेटर देन यस्टरडे, और दुआ करें कि होपफुली इट गेट्स बेटर सून सो शी कैन गेट अप, पर खुद से उठ सके, खुद से चल सके विदाउट एनी हेल्प, और अपने कुछ काम कर सके। तो बहुत सारे लोगों ने दुआएँ की हैं जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ गेटिंग बेटर बट नॉट एज मच, तो होपफुली शी इज़ गोना गेट बेटर सून इंशाल्लाह। क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कि आप इनसे पूछें कि जिस किसी को भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे ने कहा कि आप एक्सरसाइज करें ये करें। अब तो बेहद शुक्र है कि मैं इस तरह बैठ सकती हूँ थोड़ी देर, लेकिन वॉक नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होती है, और मेरा जो कान है वो स्टिल बंद है, उसमें से मुझे अगर मैं दूसरी साइड का कान बंद कर दूँ तो मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, कोई कुछ भी कह रहा, और सर में एक जो शोर है वो नॉन स्टॉप अभी तक भी है। तो ये जिस किसी को हुआ या जो कोई डॉक्टर्स हैं वो सर वैसे भी मैसेज करते हैं, तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहूँगी, काफ़ी दिन हो गए मेरी इस तरह तबीयत को, तो जो लोग कहते हैं कि इतने दिन में ठीक हो जाते हैं, अब मुझे अगर पता चले कि एक हफ्ते में ठीक होगा या 10 दिन में या 12 दिन में मेरा कान कब खुलेगा, कब मेरी तबीयत असल वजह जो है ना वो इसी वजह से ही मैंने सोचा कि लाइव जाएंगे, और मैं पूछूंगी कि जिस किसी को हुआ है या जो डॉक्टर्स हैं कि अगर मुझे कुछ बता दे ताकि मुझे उस पर थोड़ी तसल्ली रहे। अभी तो काफ़ी मैं डिसहार्ट हो जाती हूँ कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, अभी मुझे चला नहीं जा रहा, अभी मेरी नेक को जो सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, ऑलरेडी जो ENT प्रोफेसर हमारे साथ काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम 2-3 दिन में बेटर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वी गोना टॉक टू सम अदर ENT एज वेल, प्रॉब्लम डे और टू, देख रहे थे कि क्या मे बी हिज मेडिसिन इज़ गोना बी वर्किंग, जो उसकी मेडिसिन थी 5 दिन की वो चेकिंग देयर इज़ गोना बी अप इन अ डे। तो लेकिन ये है कि अगर कोई ENT है अमंग अवर फैंस, यू कैन एडवाइज अस कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो उसका ईयर है लेफ्ट कान जो है उसमें कॉन्स्टेंट नॉइज़ है, और कॉन्स्टेंट नॉइज़ जो है वो बॉदर कर रहा है, जिसकी वजह से सर भारी होता है, और बॉडी सर जब फ्रेश नहीं हो रहा तो बॉडी फ्रेश नहीं हो रही। तो और किसी को वर्टिगो हुआ हो सिमिलर कि लेफ्ट ईयर के अंदर कॉन्स्टेंट नॉइज़ फॉर लास्ट 5 डेज चल रहा है, और यू नो लेफ्ट ईयर से सुन भी नहीं पा रहे, तो ऐसे लगता है जैसे कान खुल जाएगा लेकिन खुल नहीं पा रहा। तो और किसी को ऐसा सिनेरियो हुआ है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, हम देखेंगे बाद में कमेंट्स कि क्या इसकी रेमेडी होनी चाहिए। कोई एक्सरसाइजेस भी हैं कुछ जो मैंने ट्राई की हैं ऑब्वियसली, लेकिन दैट्स आल्सो नॉट हेल्पिंग सो फार, तो द मेडिसिन विच वी टेकिंग इज़ नॉट हेल्पिंग दैट मच, लेकिन होपफुली इज़ गोना किक इन, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है टाइम लगता है किक इन करने में, तो लेट्स सी इंशाल्लाह ताला। लेकिन द रिक्वेस्ट इज़ कि अगर कोई ENT है जो सुन रहा है तो ही कैन टेल अस हिज ओपिनियन कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, और किसी का हुआ वर्टिगो ही कैन आल्सो एडवाइस अस कि कितनी देर लगती है यूजुअली इस तरह को रिकवर करने के लिए, या फिर कोई क्विक रिलीफ है अगर कान को राइट वे ठीक करने के लिए, सो वी कैन ट्राई दैट प्रोसीजर और यू नो थिंग्स एज वेल। तो और क्या, कान में जो है ना अजीब सा फील हो, ऐसे फील होता है जैसे कान में पानी गया और लगता है कि अभी कान ठीक होगा लेकिन अभी ठीक नहीं हो रहा। जी इंशाल्लाह होपफुली इट्स गोना गेट बेटर, डोंट वरी इंशाल्लाह। अभी को मैसेज कर रहे हैं कि किसी को बात हो गई थी इंस्टा पे, और कह रही है कि मेरा दिस इज़ कॉल्ड PPV नॉट अ बिग इशू, खुदा ठीक करे जिदा जिदा आपको जितने वर्टिगो आए हैं ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी होपफुली। 7 साल से उफ, वो कह रही है उम्मे नूर मेरा कान तो ऐसे 7 साल से बंद है, ओ माय गॉड, अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे, दैट्स रियली सैड टू नो।
1 month लगता है. मैं विश रिजवान कह रहा है होप नॉट, क्योंकि बॉडी पैथेटिक कंडीशन है, आई होप जल्दी हो जाए. और कौन क्या कह रहा है जी, जज़ाकअल्लाह है, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, जात सलाम की, गेट वेल सून के, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी दुआएं की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लाखों की तरह के मैसेज हमें आए हैं, और अनफॉर्चुनेट बहुत सारा इट्स इम्पॉसिबल गेटिंग इम्पॉसिबल टू रिप्लाई एज वेल. तो जज़ाकअल्लाह करते हैं कि जितने आप लोगों ने मैसेज किए हैं, जितने कमेंट्स किए हैं कि मैंने लाइक करूँ, लेकिन माशाल्लाह उतने ज़्यादा हैं कि उन्हें लाइक नहीं किया जा सकता, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है. इंशाल्लाह तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं कोशिश करूँगी आप सब ने जिस जिसने मैसेज किया, जिस जिसने दुआ दी, उसे मैं लाइक करूँ. लेकिन आप ये समझेगा कि मैंने आपके सबके देखे हैं, कोई भी ये चीज़ दिल पे मत ले कि कुछ को लाइक किया है. और आयशा आमिर कह रही है कि सेम कंडीशन है उसकी, सेम हेयर बीन टू एवरी डॉक्टर इन यूके, तो कह रही हर डॉक्टर से चेक कर चुकी थी. अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल डॉक्टर्स भी डायग्नोज पे चलते हैं, डायग्नोज दस से कि ये मसला है, लेकिन आई थिंक यू नो शफात सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही है, अल्लाह जिसको चाहे जैसे चाहे शफा दे सके. द डॉक्टर्स एंड मेडिसन्स आर ऑब्वियसली रीजंस व्हिच वी हैव टू यूज़, तो ज़रिए बनते हैं, अल्लाह ही जो है वो शफा देने वाला है. तो आप लोग प्लीज़ दुआ और करें, अल्लाह ताला राबिया को शफा दे, और बाकी भी जो लोग इस कंडीशन में हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे और हैं जो बता रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहतमंद सेहत याब करें, जल्दी से उनका भी मसला हल करें ताकि वो अपने रूटीन में वापस आ सकें. इधर भी कुछ मैसेज कर रहे हैं कि सईदा का भी मैसेज आ रहा था, एनर्जी लेवल अभी बहुत ज़्यादा लो है कि इतनी बात नहीं होती और कई किसी चीज़ को स्टेबल देखा नहीं जाता, तो बस बहुत तबीयत जो है वो डाउन है. वो कह रही है मैं नूर की, उसका भी कंटिन्यूसली आवाज़ आती है बट, और शदीद डिस्टर्बेंस सिचुएशन है मेरे भी, उसकी भी सेम सिचुएशन राबिया की भी है, उमे नूर कॉन्स्टेंट आवाज़ आती है और डिस्टर्बेंस रहती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से ऑब्वियसली सर भारी रहता है, जब सर भारी रहता है सर में बैलेंस नहीं रहता, और जब सर में बैलेंस नहीं होगा जब आप, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हर मोमेंट में फील नॉर्मली नहीं होता जब ठीक होते हैं, लेकिन जब ख़राब होता पता चलता है कि हर मोमेंट में हेड प्लेज अ की रोल, आपका पहले हेड मूव करता है तो बॉडी फॉलोज, बेड से उठने के लिए, चेयर से उठने के लिए, बैठने के लिए, तो दिस इज़ रियली क्रिटिकल. यू आर राइट, सही कह रही हैं आप. वो कह रही है कि आई हैड बैड अटैक, किरण कह रही है बट इट गॉट बेटर विद एवरी वीक, प्लीज़ डिस्कस द मेडिकेशन यू आर टेकिंग. जी बिल्कुल, मेडिकेशन का एक दो मेडिकेशन ले रही हैं, एक मेडिकेशन जो है वो कैप्सूल है उसका नाम देना पड़ेगा, और बाकी ये कि ऑब्वियसली एंटीबायोटिक भी ले रही है टू रूल आउट द केस का कोई इन्फेक्शन है उसके लिए भी. ओके आई गेस विद दैट वी कैन रैप इट अप, और रीड द कमेंट्स, और आपके पास ऐसा कुछ हो चुका है तो प्लीज़ रिप्लाई बैक इन कमेंट और डीएम कर सकते हैं, सो वी कैन सी एंड होपफुली मे बी इफ समथिंग हैज वर्कड गुड ऑन यू सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और जो बाकी लोगों को भी है वो भी मैसेज कमेंट्स पढ़ सकेंगे, एंड होपफुली इट कैन हेल्प अस एंड हेल्प अदर पीपल एज वेल. सो विद दैट वी कैन रैप इट अप, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर एवरीवन टू मेकिंग दुआ, जिन्होंने दुआ की है अल्लाह उनके लिए बहुत अजर दे और उनकी दुआ कबूल करें, उनके भी सब मसाइल हल करें. विद दैट वी कैन रैप इट अप, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम. अल्लाह हाफिज़.